तो मेरे नाल प्रवीण होरी इस वेले लाइन दे उत्ते ने और इन्हां दी हुण अपनी बकायदा फुल फ्लाइट ब्रोकरेज है तो आओ थोड़ी जी गल करिए प्रवीण होर नाल। असी हर शुक्रवार कुछ सवा कु 11 बजे प्रवीण होर नाल गल करिया करांगे लगातार तो तुहानूं पूरा लेखा जोखा दिया करांगे रियल स्टेट मार्केट का। तो वीकेंड तो तुसीं कोई घर देखण जाणा है वीकेंड तो तुहाडा कोई ओपन हाउस का कितने जाण दा इरादा होवे तो इहदे लई तुहानूं असी शुक्रवार नूं रियल स्टेट मार्केट की वधिया तो वधिया जानकारी देने की कोशिश करिया करांगे। प्रवीण होरां दा भी कोई कम से कम 20 साल का हुण 18-20 साल का तजर्बा रियल स्टेट का हो चुका है। प्रवीण स्वागत करते हैं। शरीफ साहब मेरे कनियो प्रवासी दे सारे ही श्रोतियां नूं क्या भरी सत श्री अकाल नमस्कार ते आदर जी। तो इसलिए बड़ा वड्डा सवाल प्रवीण चल रहा है खास तौर ते जिहड़े लगातार इंटरस्ट रेट वध रहे हैं ते लोग कुछ डरे हुए ने जिहड़े घर वेचण वाले आ उह इस करके नहीं वेच रहे क्योंकि जो मूंह मंगी प्राइस मिल रही सी उह मिल नहीं रही उड़ीक रहे ने कि कदों प्राइस फिर उपर आवे कदों घर मार्केट च फिर लैके आण जिहड़े ते होल्ड कर सकदे आ उह ते होल्ड करन दी कोशिश कर रहे आ पर जिहड़े फसे बैठे आ उहनां कोल कोई ऑप्शन नहीं। पर वड्डा सवाल उहनां लोकां दा वी है जिहड़े घर लैण बारे उड़ीक कर रहे सी उहनां बारे वी दिओ जानकारी। सैनी साहब जिस तरह तुसीं गल कीती कि इस टाइम ना मार्केट दे विच बहुत ज्यादा अनिश्चितता लोकां दे विच मतलब लोकां नूं जिवें कह लो कि अनकंफर्टेबल ने घबराहट आ कि वह घर बाय करन जां ना करन पहला तां इह चीज आ जी। दूजी चीज यह है कि काफी लोग ने जिहड़े जिवें अपसाइज जां डाउनसाइज करना चाहते हैं अपने लाइफ के इवेंट्स के मुताबिक वो डिसीजन नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अपसाइज करना चाहिए या डाउनसाइज करना चाहिए। इतने सही साहब मैं थोड़ा जा मार्केट के ना अनालिसिस करके तुम जो अभी दसदा वा बेसिकली की आ कि जिदा ब्रैम्पटन से मिसिसागा का जोड़ा एरिया जिथे कि अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी ज्यादा वा जिदा पिछे जो मार्केट के प्राइसिस बहुत उत्ते जा रहे थे उसके एक सब तो बड़ा पार्ट जोड़ा प्ले किया लो इनवेंटरी ने कि मार्केट के घर काफी घट से और लोग वो घर लगातार जिमें कह लो कि बाय कर रहे थे मल्टीपल ऑफर्स हो रही थी उदों की होया कि लोगों जिमें अपने हफा दफड़ी नहीं हो जाती भी शायद अगे घर नहीं मिलना हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं जल्दी तो जल्दी घर बाय करा जी। मतलब कि क्योंकि प्राइसिस उपर जा रहे थे उन्होंने यह लग रहा है कि अज घर बाय कर लिए नहीं तो यह 15 दिनों महीने घर 50,000 लख डॉलर प्राइस होर उपर चले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उस तो बाद की होया जदों इन्होंने गवर्नमेंट ने इंटरस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तो लोगों के डर पैदा हो गया जो डर पैदा हो गया लोगों के लोगों ने जोड़ा कि लोग डिसीजन लै रहे थे उन्होंने वो डिसीजन लैना बंद करता उसके करके थोड़ी जी मार्केट के इनवेंटरी वधी पर जी इनवेंटरी हजे भी मार्केट के सैनी साहब वो कि बहुत ज्यादा इनवेंटरी नहीं है जो आम नॉर्मल एवरेज टाइम के मुताबिक देखिए। सब तो वड्डी चीज यह है कि लोगों में डर काफी ज्यादा पैदा होया होया हुण इहदे च दो तीन सिनेरियो ने जी। सब तो पहला तो जे आप गल करिए जिहड़े बंदे फर्स्ट टाइम बायर ने जी ते उहनां नूं की करना चाहिए इस मार्केट के जिहड़े फर्स्ट टाइम बायरस आ सैनी साहब उहनां दा मैं यह गल जरूर कहूंगा कि उहनां नूं बिल्कुल अपनी अफोर्डेबिलिटी नूं मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली इस मार्केट के घर लैण का फैसला कर लैना चाहिए इहदे च कोई गलत गल नहीं। कई लोगों का यह हूं एक क्वेश्चन होएगा भी हाँ जी हो सकता जिमें अगे जे कोई इंटरस्ट रेट वधदा तां प्राइस होर थले चले जाएगा। बिल्कुल एक गल उन्हां दी ठीक है प्राइस होर भी थले जा सकता मान लो कि प्राइस 20-30-50,000 का होर भी फर्क पै सकता यह भी पॉसिबल आ बट एट द सेम टाइम जो इस टाइम मार्केट के सब तो बैटर चीज हो रही है सैनी साहब जिहड़े फर्स्ट टाइम बायर्स ने यह है कि उन्होंने घट्टो घट कर लैण की ऑप्शन मिल रही है क्योंकि पहले टाइम के हो रहा है कि छोटे घर मार्केट के ज्यादा होंगे नहीं सके और बेचारे 5-5, 10-10 ऑफर पाते थे पर उन्होंने घर ही नहीं मिलता हुण उन्होंने एटलीस्ट घर मिलने की ऑप्शन मिल रही है सब तो वड्डी चीज है जी। नंबर दो ते एक चीज यह आ कि जिन्ना क मॉर्गेज की अमाउंट उपर गई है इंटरस्ट रेट बदल करके आलमोस्ट उन्ना क घर का प्राइस थले आ चुका ठीक है उहदे नाल इह है कि जे वो अपनी पेमेंट देखणगे तां पेमेंट दे विच फर्क हो सकदा जरूर होवे पर वो इन्ना ज्यादा फर्क नहीं है जिन्ना कि इंटरस्ट रेट वधिया। एक इत्थे मैं सैनी साहब छोटी जी गल जरूर कहनी चाहूंगा मैं एक कोट पढ़ी सी किते मतलब उन्होंने यह गल लिखिया कि जदों तुसीं इंटरस्ट रेट आ जिहड़ा जिवें इंटरस्ट रेट नाल वो इंग्लिश दे विच कोट सी यू डेट विद इंटरस्ट रेट यू मैरी विद द प्राइस जिहड़ा तुसीं इंटरस्ट रेट आ वो एक शॉर्ट टर्म चीज आ पर जिहड़ा प्राइस लो आ वो एक जिवें कह लो कि परमानेंट चीज आ जदों तुसीं घर बाय कर लेना जे तुहाडे कोल ऑप्शन होवे
घट प्राइस से वध इंटरस्ट रेट से घर बाय करन दी और जे ऑप्शन होवे घट इंटरस्ट से वध प्राइस से बाय करन दी तां हमेशा घट प्राइस से भावें इंटरस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होवे ओ जिहड़ी ऑप्शन आ ओ चूज करनी हमेशा वधिया हुंदी है। बिल्कुल जी, 25 तो 30 साल की तुहाडी मॉर्गेज होनी है लेकिन इंटरस्ट रेट साल दो साल नूं फिर घट जाने हैं, हो सकता आप बड़ी जल्दी दो तीन साल दे विच जदों इनफ्लेशन घट गई पर इंटरस्ट रेट फिर थले आ जाएंगे, पर अज तुहानूं लख दो लख तीन लख पता नहीं किन्ना क तुहानूं जिहड़ा इस वेले प्राइस जिहड़ी अगर डिस्काउंट मिल रहा कमी मिल रही है ये फिर इन्नी देर तक कभी शायद दोबारा मिले। और मैनूं लगता प्रवीण मैं अक्सर गल कर रहा अपने मिनिस्टर ऑफ इमीग्रेशन दे नाल जां होर जिहड़े हुण कल फिर देखो इन्होंने ड्रॉ कढ़िया लगातार ड्रॉ कढ़ रहे ने और एक बड़ी जल्दी इह सीज़न एक लैके आ रहे ने फॉल दे विच एक प्रोग्राम जिद च कहते हैं टी ए टू टी आर टू पी आर जो टैंपरेरी रेजिडेंट्स ने उन्होंने इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट बना देना। मेरे ख्याल लखा ही जो विद्यार्थी ने या वर्क परमिट से आए हुए लोग ने उन्होंने इस फॉल के पक्के हो जाना। ये मिनिस्टर उदन आए साढ़े को भी गल करके गए हैं, ये लोगों ने कितने नहीं जाना, इन्होंने इतने रहना इतने पक्के होना, ना सिर्फ आप पक्के होना बल्कि इन्होंने कल माँ बाप ने इतने आना है फैमलिया ने इतने आना है। तो मैं लगता कि आने वाले समय के जरा जी लोड़ है घर की वह लगातार वधी ही रहनी है। आई थिंक टैंपरेरली थोड़ा फेज जरूर आया है जिथे बहुत घबराने की लोड़ नहीं। सैनी साहब दो चीजा होर हुई ने, देखो आप एक जे थोड़ा जा मार्केट के समझिए जेडे बैंक ने बैंकों का मेन बिजनेस की है जी, बैंकों का बिजनेस आ मनी लैंड करना ते ब्याज लेना जी, ठीक है जी। जे मान लो मार्केट के ज्यादा एक्टिविटी नहीं होंगी जी वो अपना मनी नहीं लैंड कर सकते तो बैंक थोड़ा जा इस चीज से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिन्हें हूँ अजकल वेरिएबल मॉर्गेज है जी कि उन्होंने डिस्काउंट घटाया हुआ, जे बैंक ऑफ कैनेडा ने इंटरस्ट रेट बढ़ाया वा तो वो अपना डिस्काउंट बढ़ा देंगे ताकि लोग मॉर्गेज लैन। मतलब मैनू परसों एक अपने बैंकर से उन्होंने दसिया कि शायद दो बैंकों ने थोड़ा जा अपना इंटरस्ट रेट घटाया वा क्योंकि वो की चाहते हैं कि वध तो वध मनी लोग बारो करन ते वो पैसे कमान बिकॉज उन्होंने बिजनेस ही मनी लैंडिंग बैंकों का जी। सो इस करके जोड़ा ये इंटरस्ट रेट है ना जी ये मैनू नहीं लग रहा कि बहुत लंबा टाइम यह रहेगा। नो डाउट कि इस टाइम इनफ्लेशन कंट्रोल करने वास्ते गवर्नमेंट ने थोड़े जे स्ट्रोंग स्टैप्स लए ने इनू कंट्रोल करने वास्ते, बट ये जदों थोड़ा जा इनफ्लेशन वाला पार्ट ठीक होया इंटरस्ट रेट ने फॉर श्योर थले आ जाना और जेडे प्राइस थोनू अज लोएस्ट प्राइस मिल रहे हैं शायद ये दोबारा प्राइस आने वाले कुछ सालों के विच थोनू जेडे मिलने हैं काफी ज्यादा औखे हो जाएंगे। प्रवीण बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर इन्हों का नोट कर लो, पहले अपनी ब्रोकरेज का नंबर दे दो तो कोई गलबात करना चाहन। और मैं एक गल बड़े दावे नाल कहना हुना कि प्रवीण होरी आप जिथे बड़े सूझवान बड़े तजर्बेकार रियल्टर ने इन्होंने बड़ी वड्डी एक टीम बनाई ब्रोकरेज बनाई और बड़े ही इन्हों नाल तजर्बेकार हुण एजेंट्स भी नाल जुड़े हुए ने जिहड़े वक्खो वक्खरे फील्ड के माहिर ने। कुछ लोग प्री कंस्ट्रक्शन नूं देखदे आ, कुछ कमर्शियल देखदे आ, कुछ रीसेल नूं देखदे आ। तो तुसी जिस तरह का भी जिस तरह की भी प्रॉपर्टी कोई चाहते हो बेचनी या खरीदनी स्पेशलिस्ट जिहड़े एजेंट्स ने वो इन्होंने नाल ने उन्होंने सुपरविजन ये फिर आप डायरैक्ट करते हैं, हर डील इन्होंने हथों आप निकलती है, ये नहीं कि एजेंटा से छड़ देंगे तो अपने साथियों से छड़ देंगे। तो इस करके प्रवीण नाल डायरैक्ट भी जो चाहो पहला सलाह मशवरा करो फिर फैसला करो। प्रवीण अपना नंबर दे दो। हाँ जी सैनी साहब, साडा नंबर है जी 416-910-8923 416-910-9923 जी। एक मैं चीज जरूर कहना चाहूंगा जी कि जे अज की मार्केट के बारे थोड़ा तो कोई भी क्वेश्चन डिसीजन नहीं लै पा रहे बाइंग का सैलिंग का एक बार साढ़े मीटिंग जरूर करो, जिहड़ी इंफॉर्मेशन आडे एरिए के मुताबिक जिथे तुम बाय या सैल करना चाह रहे हो जिहड़ी साडी मीटिंग आ वो फॉर श्योर तुहानू बेनीफिट जरूर करेगी। तुहाडा कोई ऑब्लीगेशन नहीं साडे नाल काम करन दा, तुसी साडे नाल जदों मर्जी चाहो डायरैक्ट मीटिंग कर सकते हो और साडी जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ वो तुहानू जरूर हैल्प करेगी। 416-910-9923 8923 है जी, मैं क्लीयर कर देवां 416-910-8923 इन्हां दी जिहड़ी ब्रोकरेज है इन्हां दा डायरैक्ट हैड ऑफिस दा फोन नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। Thank you, Sunny sir. Thank you so much.